नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आप देख रहे हो इजी डिटेल्स यूट्यूब चैनल। दोस्त, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाले थे हॉराइजन 2 सैटेलाइट के बारे में। तो वहाँ पे हमने बोले थे कि हमारे यहाँ पे तो 2 फुट का डिश में भी ये ट्रैक हो जाता है, तो क्यों होता है? इसके लिए हमें कुछ कमेंट करने के लिए बोले थे हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे ने बहुत सही उत्तर भी दिए हैं, तो उनका उत्तर भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, हॉराइजन 2 जो सैटेलाइट है 84.8 डिग्री ईस्ट में है, वो एक्चुअली स्काई प्रोजेक्ट जेसैट ग्रुप एंड इंटेलसैट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो हॉराइजन 2 यानी कि इंटेलसैट 15 जो सैटेलाइट है, उसका राशियन जो बीम है वो राशियन के तरह पाता है। उसके लिए आपको 6 से 8 फुट का क्यू बैंड का डिश चाहिए। हमने जो 2 फुट में डिश में ट्रैक की है, वो एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया बीम है, ठीक है? तो साउथ ईस्ट एशिया जो बीम है, वो आपका छोटा डिश में भी कवर हो जाते हैं, जैसे कि 2 फुट का डिश में भी ट्रैक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में भी आता है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इस सब जगह में ट्रैक हो जाता है, और यहाँ पे थाईलैंड का कुछ चैनल आएंगे। तो यहाँ पे जो शो हो रहा है, यहाँ पे जो एफ निशान में आ रहा है, तो यहाँ पे ये सब चैनल आप लोगों को फ्री टू एयर मिल जाएंगे। बाकी जो चैनल है, यहाँ फ्री टू एयर नहीं मिलेगा, यहाँ पे पेड चैनल भी है। लिंक सेट की तरफ से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वो सही तरह से दिखाया नहीं है। लिंक सेट के मुताबिक सिर्फ 2 ट्रांसपॉन्डर को दिखाया गया है, मगर यहाँ पे आपका 6 ट्रांसपॉन्डर वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि हम वीडियो में बताए थे। तो चलिए दोस्तों, इसको 2 फुट में ट्रैक करके पहले दिखाते हैं, उसके बाद हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कैसे कॉमेंट किए हैं वो भी दिखाएंगे। दोस्त देख लो, ये है 2 फुट का डिश। पहले का जो डिश है 4 फुट, वो हम खोल दिए हैं। तो आज के वीडियो में ये 2 फुट का डिश में हम सेट करके दिखाएंगे। और दोस्तों, एलएनबी का पोजीशन देख लो, कुछ इस टाइप में रहेगा, ठीक है? और डीडीपी डिश का टीपी डालते हुए आपको डिश को सेट करना है। उसके बाद डिश का जो एलिवेशन है, मतलब कि ऊंचाई नीचाई जितना होता है, यहाँ पे हमने मार्किंग करके रखे हैं। तो ऊंचाई नीचाई जैसा डीडीपी डिश में वैसा ही रखना है, ठीक है? तभी आपका ये साउथ ईस्ट एशिया जो बीम है हॉराइजन 2, तो उसमें सिग्नल आ जाएगा। देखिए, डीडीपी डिश इधर और हल्का सा राइट के डीडीपी डिश के थोड़ा सा डाइने की तरफ पीछे के खड़े होके तभी आपका सिग्नल आ जाएगा, ठीक है? अभी मेरा जो टीपी है वहाँ पे कितना सिग्नल आ रहा है वो भी आप लोग यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे धूप के लिए शायद आप लोगों को ये देखो प्रॉब्लम हो सकता होगा। तो टीपी जो है वो देख लो, 11838 पोलारिटी है, वर्टिकल सिंबल है 4500, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे 6 टो टीपी, आपको 6 टो टीपी में आपको सिग्नल लाना है। कोई भी टीपी को पकड़ो और ब्लाइंड स्कैन कर दो। अगर आपके कोई चैनल में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो हल्का सा उसी टीपी को पकड़ के ऊपर नीचे करके ट्यून करो, तो सभी टीपी में आपका सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है? तो जो टीपी स्ट्रांग है वो हमने आप लोगों को दिखा दिया, बाकी जो सिग्नल आपको एवरेज लाना है एक बार ब्लाइंड स्कैन करने पर, ठीक है? तो दोस्तों, इसी तरह से आपका हॉराइजन 2 जो साउथ ईस्ट एशिया बीम है, उस पर सिग्नल ला जाता है, ठीक है? अभी हमारे कौन सा दोस्त कैसा कमेंट किया है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के रिलेटेड सबसे पहला कॉमेंट था मंजूर अली का, ठीक है? उसके बाद स्वतंत्र कुमार ने कॉमेंट किए थे, उसके बाद आशीष एक्स बोल के जो है उन्होंने कमेंट किए थे। उनका पूछना था कि कोलकाता में 2 फुट में होगा कि नहीं। हाँ दोस्तों, हो जाएगा 2 फुट में, मगर यहाँ पे सिर्फ साउथ एशिया बीम कवर होगा। रशियन बीम के लिए आपका बड़ा डिश चाहिए। और मोनू मायरा का कहना है कि ये 78 थाईकॉम है, मगर है नहीं दोस्त, ये 85 डिग्री हॉरिजन जो है वही है, तो उसका साउथ ईस्ट जो बीम है वो। उसके बाद आजाल 8 का कमेंट है, झारखंड में इसका कवरेज है या नहीं, अगर है तो कितने फीट का छतरी पे मिलेगा? दोस्त, 2 फुट में मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया बीम, और 10 फुट डिश यूज़ करते हो तो आपका रशियन भी मिल जाएंगे। और उसके बाद डी आर नीलाद्री शेखर दास का कहना था, अकॉर्डिंग टू लिंक सेट मैप कोलकाता हैज़ नो कवरेज ऑफ हॉराइजन 2, बट सरप्राइजिंगली यू गॉट द सिग्नल एंड द टीपीज एंड साउंड हो, दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। दोस्तों, यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियो है, क्योंकि वहाँ पे बोला जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया जो बीम है वहाँ पे रशियन चैनल आता है, मगर ऐसा है नहीं। तो ये दूसरा बीम है इसलिए आ गया, तो आप ट्राई करो, आपके वहाँ पे भी 2 फुट में आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद रवि सिंह डीटीएच का कहना था कि ये 78 केवेंट है, मगर दोस्तों ये 78 केवेंट नहीं है, उसमें बहुत सारा चैनल है, उससे भी ज़्यादा है, ये हॉराइजन का ही दूसरा ट्रांसपॉन्डर है। उसके बाद गणपति लक्ष्मण, उनका भी कमेंट था टाइम वेस्ट वीडियो बोल के। उसके बाद नित्य रंजन सरकार का कहना है कि त्रिपुरा से ट्रक कर जाएगा, प्लीज बोलिए हाँ जाएगा, अब ट्राई करो, वो साउथ ईस्ट एशिया बीम जो है वही आएगा, और आपका रशियन बीम भी आ सकता है, नहीं आपका रशियन बीम थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद अमृत शाह डिश एंड एफडब्ल्यू का भी कमेंट था, उसके बाद कमेंट देखते हैं ऑल वर्ल्ड सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन, उनका भी कहना है कि हेलो सर, फेक वीडियो क्यों बनाते हो, 78 ईस्ट थाईकॉम सैटेलाइट के चैनल है,
हॉरिजन टू कवरेज नहीं है हमारा, ये हॉरिजन टू ही है मगर उसका दूसरा भी मैं थाईकॉम को ट्रैक करूंगा, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे यहाँ पे, वो भी फ्री में चलेगा ठीक है। उसके बाद देखो मनीष कुमार का कहना है कि झारखंड में कवरेज है कि नहीं, हाँ दोस्त झारखंड में कवरेज मिल जाएंगे। उसके बाद महेंद्र सिंह ने भी कॉमेंट किए थे मगर उनका कॉमेंट जो है वो दूसरा वीडियो के रिलेटेड। उसके बाद अचल माइती का कहना है कि सर कोलकाता में 4 फुट सी बैंड का डिश खरीदना है, कहाँ पे मिलेगा दोस्त, आप चांदनी चौक में चले जाओ, बहुत सारा दुकान है वहाँ पे। उसके बाद वैदुल आलम का कहना है भाईजान इसमें 6 चैनल आएंगे तो ये सैटेलाइट अच्छा है नहीं, आएगा तो कोई काम का नहीं है दोस्त, ये तो डिपेंड करता है जो ट्रैक करेगा जो देखेगा उसके ऊपर, हर एक का अलग अलग चॉइस होता है ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, सोमनाथ घोष ने भी कमेंट किए थे अनेक टीपी मिसिंग सुजीत, हाँ तो वो 6 टीपी में मिला है मगर लिंक साइट में विजिट करो वहाँ पे 2 टीपी दिया है तो 4 टीपी तो एक्स्ट्रा मिल ही गए, और ये रशियन बीम है नहीं ठीक है, तो देखते हैं आगे का कमेंट। उसके बाद जियाउल भुनिया का कहना है ये थाईकॉन है, वही सेम टाइप का कमेंट हो जा रहा है। उसके बाद 32A DTH शोमी उनका भी कमेंट था, और उसके बाद हाजी अनिस का कहना है रीड मोर कर लेते हैं। देखिए सर पहला सवाल तो आपने पूछा कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, और आवाज़ आ रही है लेकिन मतलब पिक्चर नहीं आ रही है। पहला सवाल यह है कि इस पर जो चैनल है ये बड़ी HD का चैनल जिसमें रेडियो टू कनेक्ट किए गए हैं, और दूसरा सवाल यह है कि इस छतरी पर इतना कम चैनल हुआ है क्योंकि सर ये छोटी वाली LNB पर सेट किए गई है, अगर कभी बड़ी वाली LNB पर सेट की गई होती तो शायद इसमें चैनल और बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। तो ठीक है इनका कमेंट भी बहुत ही अच्छा था, तो आगे देखते हैं। अभी रोशन का कमेंट है क्योंकि इट्स बीम साउथ एशियन बट रशियन बीम सिग्नल 10 to 12 फीट डिश चाहिए, सही है दोस्त। रंजीत सिंह थिंड का कहना है कि नो 85 हॉराइजन, दोस्त ये हॉराइजन ही है, आप चाहो तो लिंक साइट में अभी विजिट कर लो, वहाँ पे यह साफ साफ लिखा है। और दोस्त आनंद DTH सेटेलाइट उनका भी कमेंट है कि मस्त सेटेलाइट है, हाँ सेटेलाइट तो मस्त है मगर वो ट्रैक होना चाहिए। उसके बाद अमन फ्री डिश का कहना है आपके पास LCD स्मॉल डिस्प्ले कहाँ से खरीदा है, प्लीज़ लिंक दो, दोस्त दे देंगे। उसके बाद इस तरह का बहुत सारा कमेंट आया है, इसमें से बहुत सारा कमेंट जो पहले पहले आया था मैं उनका रिप्लाई भी दे चुका हूँ। दिलीप चंचल DCN उनका कमेंट था, उत्पल घोष का भी कमेंट था, उसके बाद राज रॉय उनका भी कमेंट था, उसके बाद रशियुद्दीन इस्लाम 7774 उनका भी कमेंट था, सूरज शिवा उनका भी कमेंट था, दादा इज इट लीगल टू यूज सी वैन डिश एट होम एज आई एम नॉट ए केबल ऑपरेटर, कैन यू सेट एशिया सेट बिकॉज इट शो पाकिस्तानी चैनल्स एंड इट इज बैन इन इंडिया, प्लीज हेल्प मी गिविंग प्रॉपर लीगल एडवाइस थैंक्स। दोस्त आप सी बैंड का डिश जरूर यूज कर सकते हो अगर आप बिजनेस नहीं कर रहा हो ठीक है, अगर आप किसी दूसरे को लाइन दे रहे हो तो उसके लिए आपका लीगल परमिशन यानी कि बिजनेस लाइसेंस होना जरूरी है। और बाकी रहा पाकिस्तानी चैनल का, दोस्त अगर किसी चैनल में अच्छा से दिखाता है तो पाकिस्तानी चैनल हो या दूसरा कंट्री का चैनल हो इसमें क्या आता जाता है, कुछ अच्छा कॉन्टेंट दिखो ना कोई बात नहीं। इनका उसके बाद जो कॉमेंट है इनका नाम कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उनका कॉमेंट है कि व्हाट साइज डिश रिक्वायर्ड फॉर विशाखापट्टनम साउथ ईस्ट एशिया बीम के लिए 2 फुट ले लो, और रशियन बीम के लिए आपके वहाँ पे 10 फुट डिश ट्राई कर सकता हूँ। उसके बाद समरजीत टेक्निकल उनका कहना है कि कोलकाता में कहाँ पे मिलेगा 6 फुट डिश, एड्रेस प्लीज आप चांदनी चौक विजिट कर लो। उसके बाद जो कमेंट है श्यामल दर्ज का, दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, फिलहाल ये वीडियो पूरा देखने के लिए इजी डिटेल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।